अगर तुम भी मेरी तरह अपने GTA 5 गेम को कंप्लीट करने के बाद बोर हो रहे हो तो आज हम इस बोरिंग को खत्म करने के लिए अपनी गेम में इंस्टॉल करने वाले हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 न्यू बैंक रॉबरी मिशन। मींस के हम पैसे चोरी करेंगे, पुलिस आएगी, उसे भागेंगे, छुपेंगे, एकदम बहुत मजा आने वाला है। बस आप भी इन मोड्स को इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। आप ऐसा करो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इन तीन मोड्स का लिंक एड कर दिया है, उनको जल्दी से डाउनलोड कर लो। बहुत ही सिंपल नॉर्मल एंड कम साइज वाले मोड्स हैं, जल्दी से डाउनलोड हो जाएंगे और उसके बाद हम मिलकर अपनी गेम में इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने GTA 5 गेम की मेन डायरेक्टरी ओपन करेंगे एंड यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नेम रखेंगे स्क्रिप्ट्स। अभी हम इस फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद अपना फर्स्ट मोड फ्लिक का बैंक हाइस्ट वाला ओपन करके यहाँ से इन तीन फाइल्स को ड्रैग करके सिंपली स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद सेकंड मोड को भी ऐसे ही इंस्टॉल करेंगे, ओपन करके यहाँ से इन तीन फाइल्स को सिलेक्ट करके सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड सेम इसी तरह अपने थर्ड मोड को भी ऐसे ही इंस्टॉल कर लेंगे। अभी अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी, जल्दी से अपनी गेम को ओपन करके पैसे चोरी करने चलते हैं। मिशन को स्टार्ट करने के लिए हम किसी भी बैंक के पास आ जाएंगे जिसमें आज लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बैंक पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक के पास। तो जल्दी से अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिखेगी, ऊपर में हमने ई प्रेस करना है। ई प्रेस करोगे तो अपना मिशन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे मेरा भी अभी स्टार्ट हो चुका है मिशन। जल्दी से इन गार्ड्स को मारते हैं एंड देन उसके बाद अपने पैसे चोरी करके निकल पड़ते हैं। ये क्या, इसने अलार्म बजा दी भाई, अभी पुलिस भी आने वाली है। ऐसा करता हूँ, पहले तो इन गार्ड इन बंदों को मार देता हूँ एंड एक बंदा भाग रहा है इसको मारो, वरना ऐसा ना हो कि पुलिस को अभी बता दे कि भाई मैं यहाँ आऊँ। वैसे पुलिस को पता चल चुका है, यहाँ पर हम आकर एक बॉम्ब लगाएंगे जो कि इस दरवाजे को तोड़ेगा। अभी एक गिल्ली आपने देखा, मेरे पास अभी बैग नहीं था लेकिन अभी बैग आ चुका है। तो आप ऐसा करना, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो आप मेन्यू ट्रेनर से अपना बैग स्पॉन कर लेना, उसके बाद ही ये चोरी करना, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, रियलिस्टिक भी लोगी। एंड यहाँ पर एक गिलिच और भी है, आप देख ही सकते हो, ये जो दरवाज़ा है ना मैंने खोला है फिर भी दिख रहा है। ये आपकी गेम में ये गिलिच नहीं आएगा, वो इसलिए मेरी गेम में आया है क्योंकि मेरे एडिटर में थोड़ा मसला था, मैंने वो स्क्रीन एडिटर नहीं किया है। मैंने ऐसा किया कि रॉकस्टार एडिटर से एडिट किया है ना, इसमें थोड़ा बहुत मसला आ जाता है इसी वजह से। बाकी अभी अपनी हैकिंग शेकिंग करते हैं, ये वॉल्ट ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद अंदर चलकर पैसे चोरी करते हैं। फाइनली थोड़ी देर के बाद हमने अपनी हैकिंग कंप्लीट कर ली है, गार्ड मैंने अंदर रख लिया एंड ये वॉल्ट भी ओपन हो गया। जल्दी से अंदर चलते हैं, वो दरवाज़ा तोड़ते हैं एंड अपने पैसे चोरी करके निकलते हैं। मुझे बस अब डर सिर्फ पुलिस का लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि अपने पास मैरान कार है ना, बहुत ही स्लो कार है। खैर जो हुआ देखा जाएगा, फिलहाल अपने पैसे उठाते हैं। अपने यहाँ पर आकर माउस क्लिक से जितने भी क्लिक्स करोगे उतनी ही गड्डियाँ लेकर अपने बैग में डालता जाएगा। माउस वाला जो क्लिक बटन है ना, उसी से अपने पैसे इसमें बैग में डालेगा, उसको ही क्लिक करना, बल्कि और कोई इंटर विंटर बटन नहीं। जल्दी से यहाँ से भी अपने पैसे उठा लेते हैं एंड चलते हैं बैंक के बाहर। यार बहुत ही डर लग रहा है, अभी बहुत ही खुशी भी हो रही है कि इतने पैसे हमने चोरी किए हैं, लेकिन खुशी से ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैं अकेला हूँ। वो जो इस हाइस्ट को करने में मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं ना, और भी मज़ा तो बहुत आता लेकिन डर भी बहुत नहीं लगता, बहुत नहीं सॉरी कुछ भी ज़रा भी डर नहीं लगता। चलो खैर यहाँ पर भी ये देखा गिलिच था, आपके पास ये नहीं आएगा। मैंने आपको बताया रॉकस्टार एडिटर में ही थोड़ा मसला आ गया, इसलिए ये हुआ। बाकी अगर रॉकस्टार एडिटर पर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना। फिलहाल पुलिस आ चुकी है, जल्दी से यहाँ छप जाता हूँ। ओह ये बंदा किस नशे में आ रहा था, पुलिस वाला इसको गंज में मारते, इसको मैंने टकले को मार दिया। वो जो भागते हुए आ रहे हैं उसको भी मारते हैं, इसको भी मारते हैं एंड जल्दी से अपनी मैदान में चल कर भाग लेते हैं। ये क्या, ये तो यहाँ दरवाजे पर आ गया, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। ऊपर में हेलीकॉप्टर आया हुआ है और नोज वाले आ गए हैं, स्वेट सोल्जर्स भी आ चुके हैं भाई। एक को तो मैंने हेड शॉट मार दी, अभी एक सेकंड मुझे बहुत ही डर लग रहा है, एक भी उनकी गोली लग गई तो हम ख़त्म। एंड ये क्या, ये अंदर आ रहा है, इसको 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 ये गया, तेरी बेटा ऐसे कितने से अंदर आकर मुझे मारेगा। एक सेकंड मेरी हेल्थ भी थोड़ी बहुत कम हो चुकी है क्योंकि दो तीन गोलियाँ लगी है और सामने वाले को भी मैंने ख़त्म कर दिया। एंड ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये गंजा अच्छा हुआ कहीं इसको भी मैंने मार दिया। जल्दी से अपने मैरन कार में बैठ लेते हैं एंड थोड़ा सर नीचे करके जल्दी से निकल लेता हूँ। एक सेकंड ये क्या,
ये बंदा मेरी गाड़ी से चिपक गया और इसमें इतना वजन है कि मेरी गाड़ी कल्टी होने जा रही है। लेकिन नहीं नहीं ऐसा करता हूँ, यहाँ से रुक जाता हूँ एंड इसको थोड़ा बहुत ब्रेक करके अपनी गाड़ी को, इसने अपना हाथ छुड़वा दिया, मैंने इसका हाथ अपनी गाड़ी से, जल्दी से भागते हैं। सामने भी दो पुलिस वाली बड़ी बड़ी ट्रक्स खड़ी हैं। यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, एक कट मारता हूँ, या नहीं नहीं ड्रिफ्ट मारता हूँ, अभी देखना मेरे मैरान में ड्रिफ्ट। ये मैंने एक बहुत ही मस्त ड्रिफ्ट मार दी, एक्सीडेंट से बच गया, लेकिन नहीं एक्सीडेंट हो गया यार, बहुत ही गलत वाला एक्सीडेंट भी थोड़ा बहुत हो चुका है। लेकिन कोई नहीं, अपनी गाड़ी इतनी भी कमज़ोर नहीं है, जल्दी से ऐसा करता हूँ यहाँ से जंप लगाते हैं, क्योंकि अभी आ चुकी हाईवे एंड एक सेकंड ब्लास्ट ना हो जाए अपनी गाड़ी। नहीं 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 ओहो ये क्या, अपनी गाड़ी तो बच गई लेकिन उनकी बेचारों की ब्लास्ट हो गई। वेल तो अभी हम आ चुके हैं हाईवे पर एंड फाइनली आधे घंटे पुलिस चेस के बाद मैं पहुंचा हूँ एक गांव में, जहाँ से मुझे ट्रेन के आने की आवाज़ आ रही है और वो देखो सामने ट्रेन आ रही है। ऐसा करता हूँ यहाँ पर ही अपनी गाड़ी को छोड़ लेते हैं, क्योंकि पुलिस यार बहुत ही खतरनाक है, 4 स्टार वाली पुलिस पीछे लगी है। ट्रेन के इसको मारते हैं इस ड्राइवर को एंड अपनी ट्रेन को लेकर सीधा कहीं ना कहीं दूर चलते हैं, लेकिन ये बेचारा बच गया, ये नहीं मरा, मैं ऐसा करता हूँ छुप जाता हूँ। वेल तो यहाँ पर अपनी हाइस्ट कंप्लीट हो चुकी है, हमने चोरी की है $3.5 लाख जो कि बहुत ही बड़ी रकम है। तो ये थी अपनी बैंक की हाइस्ट जो कि कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अगर आप अपने GTA 5 गेम में कोई सेलिब्रिटी को इंस्टॉल करना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को ओपन करके किसी भी वीडियो में आ जाओ, वहीं मिलते हैं।